हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कर चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। डॉक्टर मक्कर क्लिनिक से दवाई खाई थी बच्चे की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि दवाई आपके यहाँ पर की अच्छी दवाई मिलती है, और मैं सब जगह गई थी, वहाँ पे सही दवाई नहीं मिली मुझे, और मेरा बच्चा भी बहुत परेशान था, ना ये खाता था ना पीता था, और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। फिर मुझे यहाँ से दवाई लेके बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, और मेरा बच्चा अब ठीक भी है, एक्टिव भी है, अब हाइपर तो नहीं होता, हाइपर नहीं होता, और मतलब भूख भी लगती है, दूध भी पीता है, स्कूल भी जाता है कंटिन्यू, अभी अभी कोई छुट्टी नहीं बैठता है। हाँ जी बिल्कुल टिक के बैठता है। आगे स्कूल में प्रॉब्लम होती थी इसको? हाँ आगे बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्कूल में नहीं जाता था, जाता भी था तो बीमार रहता था, कभी खाना पीना कुछ भी नहीं खाता था, और दवाई लेने के बाद इतना फर्क पड़ा है कि रोज स्कूल जाता है, एक्टिव है, खेलता है, बोलता है अच्छे से। अभी अटेंशन डेफिसिट तो नहीं है? अभी नहीं, ऑटिस्टिक तो नहीं, नहीं बिल्कुल भी। अब शाउट तो नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं, अभी दवाई के बाद बहुत फर्क है। पहले फालतू में शाउट होते? हाँ जी हाँ जी, पहले बहुत ज्यादा शाउट करता था, ये चिड़चिड़ा होकर करता था। हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं लोगों को, होम्योपैथी खानी चाहिए इसमें? बिल्कुल जी, अगर इससे हम बाकी दवाई के अकॉर्डिंग ये दवाई ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को 1 ईयर से ऊपर हो गया था, और ये मैं मतलब कर रही थी, और होम्योपैथिक से बहुत ज्यादा आराम आया इसको, और मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। मैं दूसरों को भी यही बोलूंगी, होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छी है, ये कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक, शुक्रिया।